एकेबी इंटरप्राइजेस लेकर आए हैं वही पुराना ब्रांड जिस पर आप करते हैं विश्वास। जी हाँ, काइनेटिक ब्रांड की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियाँ और थ्री व्हीलर कमर्शियल सवारियों लोडिंग ऑटो, सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3 साल की वारंटी और सर्विसिंग फ्री, साथ ही आकर्षक फाइनेंस सुविधा और हाँ, कंपनी के ही ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। हमारा पता केकेबी इंटरप्राइजेस, होटल आशीर्वाद के पास, इंदौर रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मूंदी रोड पर मंदसौर के रहने वाले पप्पू राजपूत की शादी के नाम पर 2 लाख की ठगी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया था और तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडवा एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर जावर टीम ने काफ़ी मेहनत की, ताबड़तोड़ इसमें अभिरक्षा में लिया और सबसे पहले कैलाश कोरकू ठाकुर जो साइबर टीम की मदद से पकड़ में आया, उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने पूरी कहानी बताई और इस मामले में उसके बताए अनुसार और फरियादी के बताए अनुसार हुलिये को पहचानने के बाद प्रियंका, जो नाम बताया गया था, लेकिन आपको बता दें उसका असली नाम पूर्णिमा निकला और वह शादीशुदा भी है। उसका पति शेख सरवर निवासी खानसावली का रहने वाला है। इस पर अपराध दर्ज किया गया है। कैलाश कोरकू ठाकुर, जिसने पप्पू की बहन को बताया था कि उनके पास एक लड़की की जानकारी है और उनका परिवार काफ़ी गरीब है, 2 लाख रुपए देंगे तो वह शादी कर देंगे, इस तरह की कहानी किस्से उसने बनाए थे। और इस मामले में आपको बता दें कि दीपक और पूनम नाम के दो अन्य सहयोगी इसमें फरार हैं, उनकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। फिलहाल ये सभी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 2 लोगों को छोड़कर अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। और इन पर अपराध दर्ज करने के बाद आज खंडवा में इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, इनकी रिमांड मांगी गई। फिलहाल रिमांड मिली कि नहीं मिली ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हम आपको तत्काल यह जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर आई थी। जो प्रियंका है उसका असली नाम पूर्णिमा है और ना जाने उन्होंने कितने नाम लिखकर कितने लोगों को ठगा होगा, इनका पूरा गैंग प्रतीत होता है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इनका कितने लोगों का गैंग है और कितने लोगों के साथ यह ठगी कर चुकी है। फिलहाल अगर और फरियादी सामने आते हैं तो पुलिस उनकी फरियाद पर भी इनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात कह रही है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें शादी के नाम पर ठगी हुई हो। 22 साल के पप्पू की शादी उसकी बहन करना चाहती थी, उसके सपने थे कि मेरे भाई के हाथ पीले हों और वह शादीशुदा हो। हालांकि 22 साल की उम्र ऐसी नहीं होती कि इतनी जल्दी की जाएगी शादी, इस तरीके से पैसा देकर करनी चाहिए, शादी के लिए समाज के बहुत सिस्टम बने हुए हैं। बहरहाल इस कहानी का अब दी एंड होता दिख रहा है। अगर और आरोपी और अन्य मामले सामने नहीं आए तो ये कहानी अब लगभग यहीं ख़त्म होने की दिशा में बढ़ गई। फिलहाल आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और कहानी आपको बताई दी थी कि कैलाश कोरकू ठाकुर ने इन्हें लड़की का कहकर बुलाया, खंडवा लेकर आए, नोटरी वाले ने कहा कि आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड बाद में देने की बात कहकर 2 लाख रुपये लेकर ये लड़की को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पूरा मामला पुलिस के प्रकाश में आया था। मूंदी थाने फरियादी पहुंचे थे, मूंदी ने घटनाक्रम की जानकारी लेकर उन्हें जावर थाने की टीम को हैंडओवर कर दिया था और उसके बाद जावर थाने की टीम ने इसमें अपराध दर्ज के करके काफ़ी मेहनत की। इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, जावर पुलिस की टीम हो, मूंदी पुलिस की टीम हो, रात से ही इस मामले में मेहनत कर रही है और पुलिस की मेहनत का ही नतीजा है कि 2-3 दिन के अंदर पूरा गैंग पुलिस के कब्जे में है। हालांकि 1-2 लोग फरार हैं, उन्हें भी पुलिस की टीम जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये कैलाश कोरकू है, कैलाश कोरकू ठाकुर, जिसने पप्पू की बहन को बताया था कि उनके पास एक लड़की की जानकारी है और 2 लाख रुपए की बात उन्होंने